सिंधिया में हुई मारपीट में चार लोग घायल, एक डीएमसीएच रेफर। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंधिया थाना क्षेत्र के वाड़ी में जमकर हुई मारपीट में चार लोग घायल हो गया, जिसे परिजनों ने इलाज करवाने के लिए सिंधिया पीएससी में एडमिट करवाया है। उद्घायल व्यक्ति की पहचान सिंधिया थाना क्षेत्र के वाड़ी ग्राम के दिनेश पासवान के पुत्री सिंधु कुमारी, पत्नी परमिला देवी, पुत्र कुंवर पासवान और भतीजी रंजन कुमारी के रूप में की गई। वहाँ उपस्थित डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सिंधु कुमारी को गंभीर स्थिति रहने पर डीएमसीएच रेफर कर दिया है। घटना के बारे में बताया गया कि खेत में सरसों उखाड़ लेने पर मना किया गया तो गोविंद पासवान, उसकी पत्नी रूना देवी कलावे, अन्य कई लोगों ने मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया है। इससे पहले भी बराबर ये लोग मारपीट की घटना करते रहते हैं। स्थानीय थाने में शिकायत करने के बावजूद किसी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। फिर भी ये लोग बताया कि लिखित शिकायत थाने में किया हूँ। कर ले जो खन को पुतो गाड़ी पासमान के घर वाली है, जो खन को पुतो किया मारपीट के गोट काटत रहे ना हमरा में वहल मना के लिए कि धल के झुट्टा पांच बोल के नाम भले बच्चे के सिंधु कुमार सिंधु हां आग नाम परमिला ये बच्ची के रंजन तीनों घायल छे घटना हुआ जो है सो बराबर जो है सो मेरे खेत में जाके जबरदस्ती जो है फसल का बर्बाद करता है, फसल जो है सो उजाड़ देता है। आज चार पांच आदमी मिल के गया सरसों का फसल जो है सो काट रहा था, उसी पे जो है सो मना किए तो सब मिल के आया। दस को पांच को जेंट्स था, पांच को महिला था, सब मिल के आया और मारपीट करके सबको जो है सो बेहोश कर दिया। आप लोग वहाँ आप थे वहाँ पे? जी हम बाद में गए हैं इलाज के लिए। आप लाए? जी बाद में गए हैं। अब हमको भी मारा है और उसके बाद जो है सो वहाँ जो है सो सारा सामान लूट के ले गया। और मुख्य रूप से कौन कौन था मारपीट करने वाला? मुख्य रूप से वहाँ पे जो है सो गोविंद पासवान, उसके बाद उसका परिवार और था और कई लोग थे। कहाँ घर हुआ? वारी। नाम? कुमार पासवान। रेफर भी किया गया है? हाँ, डीएमसीएच जो है सो पूरे जो है सो हालत खराब है तो इसको देखते हुए जो है सो डीएमसीएच रेफर कर दिए हैं। सीटी स्कैन लिखे हुए। कौन कौन घायल हैं? सिंधु कुमारी है, मेरी माँ परमिला देवी है, हम जो है सो हम भी घायल हैं। आपकी एक और बहन है? हाँ, मेरी चाची की लड़की है, वो भी घायल। अच्छा, इससे पहले भी हुआ था मारपीट? इससे पहले कई बार घटना किया है मेरे साथ। थाना को आवेदन दिए बराहू को, तो बराहू जो है सो बुलाए वहाँ जनता दरबार में, तो वो लोग जो है सो जनता दरबार का भी बात नहीं मानता है। अब न बराहू की बात माने न सीओ साहब की बात माने, बोले हम नहीं जाएंगे थाना पे, जो करना है बराहू कर ले। तो बार बार बराहू जो है सो बुलाते हैं लेकिन वो लोग नहीं मतलब बात मानते हैं। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है? कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जो है सो सीओ साहब आदेश भी दिए थे 107 करिए कम से कम, जब नहीं बात मानता है वो किसी का तो 107 करिए। सीओ साहब का भी बात नहीं माने, मेरे पास जो है सो पेपर फिर पुनः वापस कर दिए और जब हम अनुमंडल में दंडाधिकारी के पास आवेदन दिए, वहाँ से भी आई जाँच में आई तो वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। अब बराबर हम लोग के साथ जो है सो रास्ता पे गाली गलौज मारपीट बराबर करते हैं, मेरे साथ कई बार जो है सो घटना किए हैं। सिंधिया थाना के पदाधिकारी के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी बराबर जो है सो अभी तक कोई दंड दिए हैं, सारे आवेदन का जो है सो छाया प्रति मेरे पास है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल आज जो घटना घटा है इसके बारे में थाना को जानकारी दी है? इसके बारे में बराबर को फोन किए थे तो बराबर बोले कि ठीक है आप आइए जो है सो आवेदन दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। क्या नाम हुआ? कुंवर पासवान।